रहे हैं इंडिया आज तक टीवी लाइव आपकी आवाज। झांसी में आज विश्व हिंदू महासंघ द्वारा माननीय अचल अर्जरिया द्वारा झांसी जिलाधिकारी महोदय को प्रार्थना पत्र दिया। उन्होंने बताया कि राजस्थान के उदयपुर में ट्रेलर मास्टर की दुकान पर काम करने वाला कन्हैया लाल की दो कट्टरपंथियों द्वारा हत्या कर दी गई। उन्होंने अपील की है कि उन लोगों पर कठोर कार्रवाई की जाए। संवाददाता इब्राहिम दास के साथ प्रतीक सैमसन की रिपोर्ट। मंद को लेके क्या बन दिया? देखिए, पिछले कुछ समय से तालिबानी प्रवृत्ति के लोग हिंदू समाज के ऊपर लगातार आक्रमण कर रहे हैं। किसी सच बात को बोलने पर उस सच बात का समर्थन करने वालों के ऊपर निर्ममता से प्रहार कर रहे हैं और जिसके कारण अनेकों हिंदू समाज के लोगों की गला रेत करके या अन्य प्रकार से हत्याएं की जा रही हैं। ऐसे नारे लगाने वाले जो नारे लगाते हैं सर तन से जुदा, आखिर इनके खिलाफ सरकार UAPA के तहत कार्रवाई क्यों नहीं करती है? जब ये आतंकी नारे हैं, मदनी जैसे लोग, ओबीसी जैसे लोग और तौकीक रजा जैसे लोग जो भड़काने का काम करते हैं, भड़काऊ भाषण देते हैं, आखिर उनके ऊपर मुकदमे दर्ज करके उनको जेल के अंदर क्यों नहीं डाला जाता है? हिंदू समाज ने पूरी ताकत लगा करके हिंदू हित की सरकार बनाने का काम किया है प्रदेश के अंदर, देश के अंदर। तो आखिर सरकारों की भी जिम्मेदारी है कि कठोर से कठोर कानून पास करें। सिर्फ हिंदू समाज बलि का बकरा बनने को तैयार नहीं है। हमें लगता है कि समय वो आने वाला है, अगर सरकारों ने ठोस कदम नहीं उठाए तो कहीं ऐसा ना हो कि हिंदू समाज भी शास्त्र के साथ में शस्त्र उठाने के लिए भी बाध्य हो जाए, ऐसा हमें प्रतीत होने लगा है। भाई साहब, आज आप कहाँ हैं? आज हम जिलाधिकारी झांसी के पास आए हैं। इनके माध्यम से प्रधानमंत्री जी, महामहिम राष्ट्रपति जी संबोधित ज्ञापन हमने यहाँ से प्रेषित किया है और मांग की है कि इन सारी चीज़ों पर कठोर कानून बनाए जाए जिससे इस प्रकार की घटनाओं पर रोक लग सके। और मैं साथ ही साथ उन राजनेताओं को भी चेतावनी देना चाहता हूँ जो इस प्रकार की घटनाओं के ऊपर किसी प्रकार का कोई अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते हैं। क्या उनकी भी मौन स्वीकृति है किसी भी राजनीतिक दल के लोगों? उनको भी सोचने की आवश्यकता है और जनता को भी सोचना पड़ेगा कि ऐसे राजनेताओं का निश्चित रूप से जनता बहिष्कार करे, तब वो सही राह पर आने का। क्या आश्वासन मिला है आपको? आश्वासन मिला है? आश्वासन जिलाधिकारी तो कुछ कर नहीं सकते हैं, ऐसे कानून बना नहीं सकते हैं। तो हमने जो ज्ञापन दिया है उसको वो महामहिम राष्ट्रपति जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को यहाँ से भेज देंगे। कानून बनाने का काम, अध्यादेश पास करने का काम सरकार का होता है, सरकार उस काम को करेगी। आधे घंटे तो निकल लेगी, इतनी देर में कैसे चार्ज हो जाएगा? आधा घंटा काफी है पूरे दिन के लिए।